देखिए आरजेडी जिस दिन चाह लेगी जेडीयू का वजूद खत्म हो जाएगा, धकियाकर बाहर कर देगी। जेडीयू में नीतीश कुमार, ललन सिंह जैसे जितने नेता हैं जो तथाकथित समाजवादी हैं, उनसे बड़े समाजवादी नेता मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को मानता हूं। उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री रहते समय केंद्र में जिन केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन के लिए वो आंदोलनरत थे, क्या नीतीश कुमार जी ने उन केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन उनको अलॉट कर दिया है? दुर्भाग्य है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मंसूबा पालते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार जी की राजनीति के चलते उनके झांसे में आकर उनको तेजस्वी यादव का पालकी ढोने की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। उनसे इस हद तक गिर कर राजनीति की अपेक्षा बिहार के किसी भी प्रबुद्ध जनता को नहीं होगी। नीतीश कुमार जी की वो पॉकेट की पार्टी नहीं रहती, जेबी दुकान नहीं रहती जेडीयू, तो ललन सिंह कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते। सत्ता पक्ष को सहयोग करने के तमाम रणनीति, लोगों को धमकाने भड़काने, व्यवसायियों को धमकाने की कोशिश के बावजूद मोकामा की जंग हम फोटो फिनिश में जीतेंगे, नीतीश कुमार जी की अपनी कोई हैसियत नहीं रही है। दूसरों के कन्हैया पिठैया चढ़कर राजनीति में खुद को ऊंचा देखना, जब भी वे बयान देते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बार बार पीछे मुड़कर तेजस्वी यादव की तरफ देखते हैं, एंडोर्समेंट लेते हैं, तो लगता है कि नीतीश जी की विदाई तय है। और जो लोग रामविलास पासवान जी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी ने रामविलास पासवान जी का चरित्र हनन की कोशिश की, 17-18 साल बाद सदन में पहुंचने वाला व्यक्ति कहता है कि रामविलास पासवान जी पे शुरुआती दिनों में एहसान किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पे उपचुनाव हुए, कल मतदान थे, 6 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, लेकिन परिणाम से पहले लगातार जनता दल यूनाइटेड ये दावा कर रही है कि बीजेपी में भारी भगदड़ होने जा रहे हैं और कई नेता उनके संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल बयान दिया था और आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी ये बात कही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद हैं। निखिल जी, क्या हो रहा है? लगातार जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेता ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी में भगदड़ होने जा रही है, हमारे उनके नेता संपर्क में हैं। देखिए आरजेडी जिस दिन चाह लेगी जेडीयू का वजूद खत्म हो जाएगा, धकियाकर बाहर कर देगी और अपने बूते सरकार बना लेगी। ये लोग डरे हुए हैं, तो बेचैनी में, बहदवासी में उर्दू की बात करेंगे, भाजपा के खिलाफ बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी करेंगे। जेडीयू में नीतीश कुमार, ललन सिंह जैसे जितने नेता हैं जो तथाकथित समाजवादी हैं, उनसे बड़े समाजवादी नेता मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को मानता हूं, और सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रति उनका एक ओरिजिनल एक कमिटमेंट भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन्होंने अच्छा काम किया केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर। उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मंत्री रहते समय केंद्र में जिन केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन के लिए वो आंदोलनरत थे, क्या नीतीश कुमार जी ने उन केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन उनको अलॉट कर दिया है? वहाँ केंद्रीय विद्यालय बन गए, इस ओर भी थोड़ा ध्यान दे देते। लेकिन दुर्भाग्य है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मंसूबा पालते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार जी की राजनीति के चलते उनके झांसे में आकर उनको तेजस्वी यादव का पालकी ढोने की स्थिति में पहुँचा दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी से हाथ जोड़कर मेरी विनम्र निवेदन है कि वो अपने वजूद को पहचाने, अपनी अंतरात्मा में झांके और एक अलग रास्ता वो निश्चित तौर पर उनको अख्तियार करना चाहिए। उनसे इस हद तक गिर कर राजनीति की अपेक्षा बिहार के किसी भी प्रबुद्ध जनता को नहीं होगी। अशोक चौधरी जी की बातों का कोई जवाब देना मायने नहीं रखता, और ललन सिंह जी की जो हैसियत है, जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है, जो उनका कंटेंट है, जो उनकी क्वालिटी है, जिन रास्तों से वो राजनीति के इस जगह पर पहुंचे हैं जहां वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जी की वो पॉकेट की पार्टी नहीं रहती, जेबी दुकान नहीं रहती जेडीयू, तो ललन सिंह कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की संगठन और विचारधारा की पार्टी है, तो यहाँ ललन सिंह जैसे लोग मंडल अध्यक्ष भी शायद नहीं बनते हैं, तो उनकी बातों का जवाब देना भी
बहुत मायने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए नहीं रखता है। लेकिन सवाल क्यों उठ रहा है निखिल जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है भगदड़, क्या उपचुनाव के परिणाम के पहले इस तरीके के सवाल क्यों उठ रहे हैं, आप लोगों के लिए बोला जा रहा है क्यों? ये अपनी झेप बचा रहे हैं वो लोग। गोपालगंज की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान किया है, वहाँ के लोकप्रिय नेता सुभाष सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और वहाँ हम बड़े मतों से जीत रहे हैं। प्रशासन पुलिस के तमाम सत्ता पक्ष को सहयोग करने के तमाम रणनीति, लोगों को धमकाने भड़काने, व्यवसायियों को धमकाने की कोशिश के बावजूद मोकामा की जंग हम फोटो फिनिश में जीतेंगे, ये बात एक पत्रकार और एक प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुझे ऐसा एक असेसमेंट करके ऐसा लगता है। लेकिन जेडीयू, देखिए नीतीश कुमार जी आज किस स्थिति में पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार जी की अपनी कोई हैसियत नहीं रही है। दूसरों के कन्हैया पिठैया चढ़कर राजनीति में खुद को ऊंचा देखना, दूसरों की गोद में बैठकर राजनीतिक तौर पर खुद को सुरक्षित समझना, बीजेपी के कन्हैया पिठैया चढ़े तो खुद को बड़ा आंकते थे, आज तेजस्वी यादव की गोद में बैठकर खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं है, एक परजीवी की भांति हैं वे, और जब भी वे बयान देते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बार बार पीछे मुड़कर तेजस्वी यादव की तरफ देखते हैं, एंडोर्समेंट लेते हैं, तो लगता है कि नीतीश जी की विदाई तय है, समय तय हो चुका है, पटकथा लिखी जा चुकी है, आश्रम जाने का वक्त मुकर्रर है, वो खुद चले जाए, नहीं तो आरजेडी धकियाकर उनको आश्रम भेजेगी। अच्छा एक अंतिम सवाल लूंगा, क्या आप लोगों के पास नेता नहीं है, क्योंकि अशोक चौधरी और सुमित सिंह ने आज कहा कि बीजेपी के पास नेता नहीं है इसलिए उपचुनाव में चिराग पासवान को उतारा गया। देखिए एलजेपी एक स्वतंत्र पार्टी है और जो लोग रामविलास पासवान जी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी ने रामविलास पासवान जी का चरित्र हनन की कोशिश की, जिसके लिए हम तो आज भी कहते हैं कि उनको रामविलास पासवान जी के समर्थकों, शुभचिंतकों और परिवार के लोगों से नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए। रामविलास पासवान जी एक खुली किताब थे, उनकी निजी या राजनीतिक जिंदगी एक खुली किताब रही है, नीतीश जी की तरह छुप्पा चुप्पा और काइया संस्कृति के वो प्रोडक्ट नहीं थे। और रामविलास पासवान जी 1967 में पहली बार सदन में पहुंचे, नीतीश कुमार जी 1985 में पहुंचे, 17-18 साल बाद सदन में पहुंचने वाला व्यक्ति कहता है कि रामविलास पासवान जी पे शुरुआती दिनों में एहसान किया था, ये प्रोपेगेंडा नीतीश कुमार जी ही हल्की बातें कर सकते हैं। पहले रामविलास पासवान जी के परिवार से माफ़ी मांगे, उनके समर्थकों शुभचिंतकों से, और नीतीश जी की दुकान बंद होगी। जेडीयू के कई लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कुछ लोग राजद में जाएंगे, अपना अपना वजूद तलाश करना उन्होंने शुरू कर दिया है जेडीयू के नेताओं और समर्थकों ने। कारण यह है कि पटकथा लिखकर नीतीश कुमार जी खुद तो संन्यास ले लेंगे, आश्रम चले जाएंगे, और जो नेतागण हैं उनको ये जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो तेजस्वी यादव का झोला झंडा उठाने के लिए तय किए जा चुके हैं, और जो उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, अशोक चौधरी और जो बड़े बड़े जो बयानवीर दिख रहे हैं जेडीयू के, ये लोग तेजस्वी यादव की पालकी ढोएंगे। निखिल अनंत है हमारे साथ, जिन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का विलय होगा, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ कह देता हूँ कि तेजस्वी यादव की पालकी ढोने के लिए जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। वहीं बीजेपी के भगदड़ पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी में ऐसी कोई भगदड़ नहीं होने वाली है, और ललन सिंह अगर बीजेपी में होते तो मंडल अध्यक्ष भी नहीं होते। एक बड़ा हमला बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने जनता दल यूनाइटेड के लिए किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।